सो फ्रेंड्स, अमेजोन ने वर्क फ्रॉम होम की एक और अपॉर्चुनिटी लेकर आ गया है। घर बैठ के आपने काम करना है। अगर आप 18 प्लस हैं, इंग्लिश कम्युनिकेशन आपकी अच्छी है, 12th पास हैं या ग्रेजुएट हैं, तो आप इस जॉब के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। जब आपको ऑफर लेटर मिल जाएगा तो सारा इक्विपमेंट पैकेज भी दिया जाएगा, मतलब कि आपको लैपटॉप भी दिया जाएगा कंपनी की तरफ से। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जानते हैं सारी डिटेल्स में और क्या क्या बेनिफिट्स आपको मिलेंगे इस जॉब में, कैसे अप्लाई करना है, सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आपको मिलेगी। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे कैरियर रिलेटेड और जॉब रिलेटेड फ्रेश इन्फॉर्मेशन आती रहती है। तो चलिए जानते हैं डिटेल में इस जॉब के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। सो फ्रेंड्स, अमेजोन की तरफ से वर्क फ्रॉम होम की अपॉर्चुनिटी आई है और जॉब रोल होगा आपका कस्टमर एसोसिएट का। अब जो ऑफिस है इसका पंजाब दिया गया है, बट आप कहीं से भी आप घर बैठ के आप काम कर सकते हैं। और जो है सारा इक्विपमेंट पैकेज आपको दिया जाएगा, लैपटॉप भी दिया जाएगा और भी कई बेनिफिट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। आपकी जो क्वालिफिकेशन है इसमें 12th पास हैं, ग्रेजुएट हैं, फ्रेशर्स हैं, तब भी आप इस जॉब के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। आपकी बस कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए, इंग्लिश में खासकर आपकी जो है कम्युनिकेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए। फ्रेंड्स, अगर हम सैलरी की बात करें तो इसमें आपका जो सैलरी पैकेज होगा 25,000 से लेकर 40,000 पर मंथ होगा। तो ये सैलरी भी आपकी डिपेंड कर सकती है। अगर आपके पास पहले से एक्सपीरियंस है कस्टमर सपोर्ट एसोसिएट का, तो डेफिनेटली आपको जो सैलरी पैकेज ज़्यादा मिलेगा। और भी कई सारे बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं, तो चलिए कैसे अप्लाई करना है वो भी हम जान लेते हैं। स्क्रीन पे चलते हैं और जानते हैं सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन कैसे अप्लाई करना है। तो लेट्स गो टू द स्क्रीन। सो फ्रेंड्स, हम स्क्रीन पे आ गए हैं। ये देखिए, वर्चुअल कस्टमर सपोर्ट एसोसिएट की जॉब निकली है। पंजाब जो है बेसिकली एरिया बताया गया है, बट आप घर बैठ के कहीं से भी आप काम कर सकते हैं। तो ये जो है जॉब टाइप होगा कॉन्ट्रैक्ट सीजनल। तो बेसिकली कंपनी इसमें क्या मांग रही है कस्टमर सर्विस एसोसिएट में। सो इसमें देखिए क्या बेसिकली आपके जॉब रोल होंगे। इसमें एज ए कस्टमर सर्विस एसोसिएट आपने जो है जो भी क्वेरीज होंगी कस्टमर्स की उसको सॉल्व करना है, कस्टमर को खुश रखना है। उनकी जो भी क्वेरीज हैं, उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं, वो आपने सॉल्व करनी है, चाहे चैट के थ्रू, चाहे फ़ोन के थ्रू, चाहे ईमेल के थ्रू। आपने बस उनकी जो है क्वेरीज और उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, ये आपका मेन पर्पस होगा। और इसमें देखिए बेनिफिट्स आपको क्या क्या मिलेंगे। देखिए यहाँ पे आपको ट्रेनिंग तो साथ में पूरी दी जाएगी, साथ में कंप्लीट इक्विपमेंट पैकेज भी आपको दिया जाएगा। और इसमें मेडिकल इंश्योरेंस भी आपको मिलेगी, पेंशन प्लान है, इंटरनेट अलाउंस भी आपको मिलेगा और कई सारे लाइफस्टाइल बेनिफिट्स, रिटेल डिस्काउंट्स मिलेंगे अमेज़न एक्स्ट्रा प्रोग्राम्स के अंतर्गत। एक्सपर्ट ट्रेनिंग आपको मिलेगी और भी कई सारी जो है आपको स्किल्स जो है सिखाए जाएंगे, डेवलप किए जाएंगे। तो ये आपके कैरियर के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि अमेज़न का अगर आपको एक्सपीरियंस आपको मिल जाता है तो बड़ी बड़ी कंपनीज आपको आराम से हायर कर लेंगी। और इसमें कई सारी चीज़ें, कई सारे स्किल्स आपको सीखने को मिलेंगे, क्योंकि अमेज़न की जो कंपनी है वो टाइम टू टाइम जो है ट्रेनिंग कराती रहती है। अब हम जान लेते हैं, देखिए बेसिक क्वालिफिकेशन इसमें क्या मांगी गई है। मिनिमम जो है आपकी एज जो होनी चाहिए 18 ईयर्स, और जो है आप इंडिया में काम कर सकें उसका राइट आपके पास होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स होने चाहिए इंग्लिश में, चाहे वो राइटिंग में, चाहे वो ओरल में है। और जो है आप शिफ्ट्स में काम कर सकें मंडे टू संडे, एक दिन जो है ऑफ होगा वो किसी भी दिन हो सकता है। और इसमें देखिए आपका एरिया जो है जहाँ पे आप काम कर रहे हैं घर बैठ के, वो जो है फ्री वर्क प्लेस होना चाहिए, वहाँ पे डिस्ट्रैक्शन नॉइज़ नहीं होनी चाहिए, क्वाइट वर्क प्लेस होना चाहिए जहाँ पे भी आप घर बैठ के काम करेंगे। और टेक्निकल परस्पेक्टिव के हिसाब से हम देखें तो कंपनी मांग रही है कि 20 MB डाउनलोड स्पीड होनी चाहिए और 8 MB की जो है अपलोड स्पीड होनी चाहिए। ये मतलब कि आपका वाईफाई और इंटरनेट कनेक्शन आपका इतना स्ट्रांग होना चाहिए। अब हम जान लेते हैं कैसे अप्लाई करना है। तो यहाँ पे अप्लाई नाउ का बटन है, यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा तो ये सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, वही जो अभी आपने पढ़ी है। तो देखिए इसमें कंप्लीट असेसमेंट आपकी होगी। तो ये अगर आप कंप्लीट असेसमेंट पास कर लेते हैं तो एक सिंपल फिर इंटरव्यू होगा, ज़्यादा कुछ नहीं होगा। तो इसमें 3 आवर्स तक आपका लग सकता है। अगर आपने कभी अप्लाई नहीं किया है अमेज़न की वेबसाइट में, तब इसमें जो है 3 आवर्स कम से कम लगेंगे। तो आई एक्सेप्ट पे क्लिक कर दीजिएगा और कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए लॉगिन करना पड़ेगा। अगर आपने पहले कभी बनाया नहीं हुआ है तो आपको जो है दोबारा बनाना पड़ेगा, अगर आपने कभी जॉब अप्लाई नहीं की है। इसमें देखिए वो वाला जो अमेज़न का अकाउंट नहीं चलेगा जो आप शॉपिंग के लिए यूज़ करते हैं, ये आपका अलग अकाउंट होना चाहिए, ये जॉब्स के लिए है। तो यहाँ पे क्रिएट वन करके कर सकते हैं आप। तो ये जो है सारी इन्फॉर्मेशन आपको भरनी पड़ेगी, लीगल फर्स्ट नेम, सर नेम, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपने भरनी है और उसके बाद आपने नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो ये सारा जो है प्रोसेस आपने करना है। अगर आपका अकाउंट पहले से बना हुआ है तो वही अकाउंट आपका चल जाएगा। तो अगर आपने अकाउंट नहीं बनाया हुआ है तो आपको फ्रेश अकाउंट बनाना पड़ेगा जॉब के लिए।
इससे रिलेटेड मैंने देखिए पहले भी एक वीडियो बनाई हुई है जिसमें सारी डिटेल में मैंने आपको बताया हुआ है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिंक आ रहा होगा, डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक शेयर कर लूँगा जिसमें मैंने डिटेल में बताया हुआ है कि फॉर्म कैसे भरना है। बहुत ही ईजी है, आप अकाउंट बना लीजिएगा, साइड बाय साइड जब अकाउंट बन जाएगा तो लॉगिन आपके डिटेल्स आ जाएगी, उसके बाद आपने असेसमेंट पूरे करने हैं। असेसमेंट में बेसिकली एक जनरल क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, वो देखना चाहते हैं कि आपके काम करने का तरीका क्या है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मैनेजर ने आपने काम दिया है, वो लंच का टाइम है और मैनेजर ने आपको काम दिया है कि इसी टाइम पे आपने काम करना है, लंच को पहले इंपॉर्टेंस देंगे या फिर आप उस काम को इंपॉर्टेंस देंगे, समथिंग लाइक दैट। मतलब कि असेसमेंट आपका ये होगा जिसमें मतलब कि देखा जाएगा कि आपका बिहेवियर कैसा है, आप कितने इंटेलेक्चुअल हैं, आपके एनालिसिस कितने स्ट्रॉन्ग है, तो ये सब चीज़ें जो है आपकी चेक की जाएगी इनके असेसमेंट के थ्रू। इसमें राइट रॉन्ग का बेसिकली क्वेश्चंस नहीं होते हैं। इससे रिलेटेड मैंने पहले भी वीडियो बनाई हुई है अमेजोन की जिसमें मैंने पूरा समझाया हुआ है, लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और यहाँ पे आपको जो है लिंक भी आ रहा होगा, आप जरूर चेकआउट करिएगा, आराम से आपका अप्लाई हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद जो है फिर जो अमेजोन की एचआर की टीम है वो आपको कॉल करेगी या ईमेल करेगी और आपका जो है एक सिंपल सा इंटरव्यू होगा, उसके बाद आपको ऑफर दे दिया जाएगा, उसके बाद आपकी ट्रेनिंग होगी और ट्रेनिंग के बाद आपकी ज्वाइनिंग होगी। तो फ्रेंड्स बहुत ही इजी प्रोसेस है और बिग कंपनी में आपको काम करने का मौका मिल रहा है। अगर आपको कोई भी डाउट आता है अप्लाई करने में या कोई भी और भी डाउट है, किसी और वीडियो से रिलेटेड भी आपको कोई डाउट आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स ऐसी जॉब और भी आती रहेंगी, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर की हो चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर की हो। फ्रेंड्स बस मोटिवेटेड रहना है और जो भी जॉब्स आ रही हैं उसको अप्लाई जरूर करिए, चाहे वो आपको पसंद हो या ना हो। अगर आप फ्रेशर्स हैं तो जरूर अप्लाई करते रहिए और जिसमें भी आपका जॉब लग जाती है तो उसको जरूर करिए अगर आप फ्रेशर्स हैं, क्योंकि जो एक्सपीरियंस आप वहाँ से लेंगे, कंपनी से लेंगे, वो बहुत मैटर करेगा और वो आपके कैरियर के लिए बहुत अच्छा होगा। तो फ्रेंड्स ऐसी जॉब डिटेल्स और भी आती रहेंगी, ऐसे कैरियर रिलेटेड इन्फॉर्मेशंस वीडियोस और भी आती रहेंगी, बने रहिए हमारे इस चैनल के साथ। अगर आपका कोई सुझाव है तो कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा, मैं डेफिनेटली उस पर गौर करूँगा। तो मिलते हैं एक और नई जॉब के साथ, एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, नमस्ते, सत श्री अकाल, गुड डे, आदाब, जय हिंद। अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखिए और फन इन्फोमैट्रिक्स को सब्सक्राइब शेयर लाइक करिए, शेयर तो जरूर करिए ताकि जिनको जॉब चाहिए उनको जॉब मिल सके।